Hello students, so today we are going to discuss and solve question from the exercise 5.1 from the chapter Lines and Angles. But before that, let's understand about some concepts. So first we have complementary angles. What is complementary angle? A pair of angles is said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree. Okay, means कोई दो angle हमारे पास है तो वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे अगर उनका सम 90 डिग्री होगा. सपोज आई हैव एन एंगल एक्स एंड सेकंड एंगल आई हैव वाई डिग्री, एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री, और इन दोनों का सम मेरे पास 90 डिग्री आता है तो एंगल एक्स एंड एंगल वाई विल बी नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, यानी कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री वाई होगा और वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एक्स होगा. ओके, सो टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वन एंगल, what we do, suppose I know an angle x और मुझे इसका complementary find out करना है, so what I will do, I will simply do 90 minus x, okay? यानि कि मुझे x का complementary y find out करना है, तो y कैसे find out होगा? अगर मैं यहाँ से x को minus कर दूँ 90 से, okay? 90 degree से, okay? Then I can find the complementary of x, okay? So let's take an example. Suppose I have an angle 66 degree, okay, and I want to find out a complementary angle of this angle. Okay, so what I will do, simply subtract 66 from 90, okay, and 90 minus 66 we have 24. Okay, iska matlab hai ki 66 degree plus 24 degree hamare paas 90 degree hoga. So, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ओके, यानी कि 66 का कॉम्प्लीमेंट होगा 24 और 24 का कॉम्प्लीमेंट होगा 66. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर एनी एक्यूट एंगल यू हैव. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स केवल हम एक्यूट एंगल्स में फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ सेकेंड वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल्स. What is supplementary angle? A pair of angle is said to be supplementary. A pair of angle, suppose x plus y degree, okay, said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree. Okay, so these angles will be known as supplementary angles. Okay, complementary mein kya tha? Do angles ka sum jab 90 degree hota hai to wo ek dusre ke complement hote hain. और सप्लीमेंट्री में क्या है, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो दोनों आपस में सप्लीमेंट होंगे. ओके, एक्स का सप्लीमेंट वाई एंड वाई का सप्लीमेंट एक्स. ओके, सो सिमिलरली वी कैन टेक एग्जांपल. सपोज आई हैव 110 डिग्री एंगल, ओके, एंड आई वांट टू फाइंड द सप्लीमेंट एंगल फॉर 110. सो व्हाट आई विल डू, सिंपली सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180. यानी कि अगर मुझे x पता है और y फाइंड आउट करना है तो मैं x को 180 से माइनस कर दूंगी तो मुझे y की वैल्यू पता चल जाएगी. सो 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री. ओके, यानी कि 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 होता है और ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. ओके, सो व्हाट वी हैव डन हियर, 180 माइनस x, ओके, टू फाइंड आउट द other angle or the supplement angle of x. Okay, next we have adjacent angle. What is adjacent angle? A pair of angles having a common vertex and not overlapping each other. Okay, so suppose these are two angles, okay, angle AOB and BOC. So a pair of angle, these are two angles, okay, are said to be adjacent angle if they are having a common arm, okay, a common vertex. Vertex मतलब जो इनका origin होता है इसको vertex बोलते हैं. okay, जो rays का origin होता है इसको vertex बोलते हैं. so a common arm, a common vertex, okay, इन दोनों angles के लिए ये vertex common है, angle AOB and BOC के लिए. okay, and common arm इनमें क्या है, BO या फिर OB. okay, so these two angle will be known as adjacent angle, and secondly they are not overlapping each other.
यानी कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए. सपोज आई ड्रॉ एन एंगल लाइक दिस, आई हैव दिस ए ओ बी एंड दिस इज सी, ओके, एंड आई से दैट एंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी. ए ओ बी ये पूरा का पूरा एंगल और ये एंगल, क्या ये एडजेसेंट है? नो. व्हाई? क्योंकि इनमें एक कॉमन आर्म तो है बट दे आर ओवरलैपिंग. ओके, ए ओ बी जो एंगल है ये बड़ा वाला एंगल ए ओ सी को ओवरलैप कर रहा है, यानी कि इसको भी अपने अंदर ले रहा है. ओके, सो दिस इज नॉट एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स में हमेशा कॉमन आर्म होगी, कॉमन वर्टेक्स होगी, एंड लास्टली दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर. ओके, नेक्स्ट इज लीनियर पेयर. सो लीनियर पेयर क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर टू नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो अ सेट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सो दीज टू आर एडजेसेंट एंगल्स. ओके, एंगल वन एंड एंगल टू बोथ आर एडजेसेंट एंगल. व्हाई? बिकॉज दे आर शेयरिंग अ कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स ओ. ओके, नाउ व्हाई दे आर लीनियर पेयर? एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर में डिफरेंस क्या है? दैट टू एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर इफ देयर टू नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म स्ट्रेट लाइन. सो नॉन कॉमन आर्म क्या है? एंगल वन और एंगल टू के लिए नॉन कॉमन आर्म है ए ओ एंड ओ सी. ये दोनों में ही नॉन कॉमन है. ओके, ये इसकी कॉमन नहीं है और ये इसकी कॉमन नहीं है. सो दीज नॉन कॉमन आर्म आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. अगर ये दोनों आर्म्स आपस में स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो ये लीनियर पेयर होंगे. ओके, फर्स्ट. सेकंड, द लीनियर पेयर ऑलवेज फॉर्म 180 डिग्री एंगल. ओके, सो हियर एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री एंगल. ओके, सो कभी भी लीनियर पेयर आए, लीनियर पेयर मतलब एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर. सो लीनियर पेयर बना रहे हैं, लाइन में पेयर बना रहे हैं. ओके, एक लाइन के ऊपर पेयर बना रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर लीनियर पेयर एंड सम ऑफ द एंगल्स इन लीनियर पेयर इज 180. ओके, सो एंगल वन और एंगल टू का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ओके, अगर सपोज ये वाला एंगल हमारे पास 110 डिग्री है और ये वाला 70 डिग्री है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो दीज आर लीनियर पेयर एंड इन लीनियर पेयर देर कैन बी बोथ एंगल्स राइट एंगल. ओके, सो 90, अगर सपोज ये वाला एंगल 90 होता और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री है तो दोनों का सम कितना है? 180. ओके, सो टू राइट एंगल्स कैन फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइन्स. अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? जब हमारे पास दो लाइन्स होती हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं. ओके, उनके पाथ्स आपस में क्रॉस होते हैं तो वो लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है. ओके, और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन क्रॉस करेंगी एक दूसरे को वो होगा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ओके, सो दिस पॉइंट वेयर टू लाइन्स कट ईच अदर और क्रॉस ईच अदर इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड व्हेन टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर दे विल नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, सो अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इसका मतलब ये पैरेलल लाइन तो नहीं होंगी, राइट? सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन्स जब बनती हैं तो हमारे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं. ओके, एंड वन ऑफ द एंगल इज नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ओके, सपोज दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम. ओके, एंड दीज टू लाइन्स आर intersecting each other at point O, then a pair of angles formed by two intersecting line having no common arm are said to be vertically opposite angles. Okay, तो इन दोनों intersecting line की वजह से जो हमारे angles बनेंगे और इन दोनों angles में कोई भी common arm नहीं होनी चाहिए. Okay, तो ये दोनों angles हमारे vertically opposite angles होंगे. Okay, since this is the vertex for each angle, अब हमारे पास दो लाइंस थी यहाँ पे, हमारे इन दोनों लाइंस ने जब इंटरसेक्शन किया, ओके, जब इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो यहाँ से हमारे पास फोर एंगल्स फॉर्म हुए, 1 2 3 एंड 4. ओके, इन फोर एंगल्स में से
जो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के सामने वाले, ये एंगल्स होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके, बिकॉज दे आर नॉट शेयरिंग एनी कॉमन आर्म एंड इनके वर्टिक्स जो हैं वो ऑपोजिट हैं, ओके. सो सपोज दिस इज एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर. सो एंगल वन इज ऑपोजिट टू एंगल थ्री एंड एंगल टू इज ऑपोजिट टू एंगल फोर, ओके. नाउ हियर एंगल वन एंड एंगल थ्री आर vertically opposite angles. So angle 1 and angle 3 are vertically opposite angles. 1 and 3 vertically opposite angle honge. Similarly, angle 4 and angle 2 will be also vertically opposite angles. So angle 2 and angle 4 are vertically opposite angles. Okay. And last thing is that these vertical opposite angles are equal to each other. Okay. So yahan par hum kya keh sakte hain that angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4. Yani ki angle 1 ka jo measurement aayega wahi angle 3 ke liye bhi measurement hoga. 2 ka measurement 4 ke measurement ke barabar hoga. Okay. So these vertically opposite angles are equal. Now exercise 5.1 we have. Question number first is find the complement of each of the following angles. So we have given three angles and we have to find the complement angle for each. So I'm here taking only second part. So main aapko bata deti hu kaise isko solve karna hai. Rest you have to do by yourself. So 63 degree angle we have given. Okay, it is a figure of 63 degree angle. Now we have to find out the complement angle for this. So what we will do, since the sum of the measure of complementary angles is 90, क्योंकि जो complementary angles होते हैं उनके measurement का sum 90 degree होता है. So what we have done, x plus 63, suppose the other angle is x and 63 we have given, so x plus 63 is 90 degree, okay. और हमें 63 का complement find out करना था. So what we have done, we have subtracted 63 from 90. So यहाँ से हमारे पास x की value आई, that is 27. यानी कि 63 plus 27 is 90 degree. Okay. So 27 is the complement angle for 63. Okay. So other part you have to do similarly. Question number second is find the supplement of each of the following angles. So इसमें भी हमारे पास कुछ parts दिए हैं. But I'm taking only first part. So we have given a figure of 105 degree angle. Okay. Now we have to find out the supplement angle. So since the sum of the measure of supplementary angles is 180 degree, so x plus 105 degree is equals to 180 degree. Okay, so यहाँ से हम क्या करेंगे, x plus 105 degree is equals to 180 degree हो जाएगा, दोनों का sum 180 के बराबर आ जाएगा. Okay, so यहाँ से हम x की value find out कर सकते हैं, 180 minus 105 degree and the answer is 75 degree. Okay. यानी कि 105 प्लस 75 इज 180 डिग्री. ओके, दैट मींस 105 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 75 डिग्री. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. हमारे पास कुछ एंगल्स दिए हैं और हमें उनको फाइंड आउट करना है कि वो सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री. सो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, इनका सम हम करेंगे तो वी हैव 180 डिग्री. ओके, एंड सिंस वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स
is 180 degree. So given angle are supplementary. Okay, so ये था first part. Similarly, second, third, fourth, fifth and sixth part आप ऐसे ही solve कर सकते हो. So second part we have 63 plus 27. इन दोनों का sum 90 degree होता है. So these are complementary angles. 112 plus 68. इन दोनों का sum 180 है. So these are supplementary angles. Fourth is 130 plus 50 degree. So 130 degree plus 50 degree is 180 degree. So these are supplementary. 45 degree plus 45 degree, 90 degree. So these are complementary. 80 plus 10 is 90. So these are complementary angles. Okay? So आपको इन सारे parts को notebook में solve करना है. Question number 4 is find the angle which is equal to its complement. तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो. ओके, सो सिंस वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री. ओके, सो Let required angle is x. Okay, that means x plus x क्या हो जाएगा 90 degree. यानी कि जो angle है वो अपनी complementary के equal है तो इन दोनों का sum 90 degree हो जाएगा. So यहां से x plus x is 2x and equals to 90 degree. और यहां से 2 को हम 90 के साथ लेके जाएंगे. So x equals to 90 upon 2, that is 45 degree. Okay, yani ki 45 plus 45 is 90 degree. So 45 is the angle that is complement to its own. Okay, question number 5 is find the angle which is equal to its supplement. So question number 4 ki tarah hame is baar kya find out karna hai, the angle which is equal to its supplement, jo apne hi supplement angle ke equal hoga. Yani ki we will take an angle x and twice of that angle will be equals to 180. So since we know that the sum of the measure of supplementary angles is 180 degree. Okay, so let the required angle be x. Okay, suppose जो required जो angle हमें चाहिए वो x है, so x plus x equals to हो जाएगा 180 degree. Okay, and यहाँ से हम x plus x add करेंगे तो 2x equals to 180 degree, और यहाँ से x की value आ जाएगी, that is x equals to 90 degree. So 90 plus 90 is 180 होता है, and 90 degree is also known as right angle. So two right angles मिलके supplementary angle 180 degree बनाते हैं. Okay, यानी कि 90 is the angle which is equals to its supplement. Okay, question number 6 is in the given figure angle 1 and 2 are supplementary angles. If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? Okay, so in this figure we have given two adjacent angle. Okay, the angle is 1 and 2. These two angles are supplementary. Supplementary hai, that means angle 1 plus angle 2 hamare paas ho jayega 180 degree. Okay, angle 1 plus angle 2 is 180 degree. So अगर हम angle 1 को हम decrease करते हैं तो angle 2 क्या होगा? Suppose this is a common arm. Okay, so अगर angle 2 decrease होगा, यानी कि ये angle अगर कम होगा तो ये arm इधर को आएगी, right? Suppose this is a line और ये arm हमारी यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाती है. Okay, so अगर ये decrease हो रहा है, यानी कि ये angle तो increase हो रहा है, right?
और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है और ये 90 से 80 डिग्री हो जाता है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों एंगल पहले 90-90 थे तो ये अगर 80 हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ओके यानी कि 80 प्लस 100 इज 180। सो अगर हम एंगल 1 डिक्रीज करते हैं तो एंगल 2 क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ओके। सो वी विल राइट इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, सो एंगल 2 मस्ट इंक्रीज, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इज कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, नंबर सेकेंड ऑब्ट्यूस, नंबर थर्ड राइट। सो क्वेश्चन इज आस्किंग क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों ही एक्यूट हो या दोनों ही ऑब्ट्यूज हो या फिर दोनों ही राइट एंगल हो। सो सबसे पहले हम एक्यूट के लिए फाइंड आउट करते हैं। एक्यूट, सपोज हम कोई भी दो एक्यूट एंगल लेते हैं, ओके, द बिगेस्ट एक्यूट एंगल इज 89 डिग्री, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रफ वर्क, 89 डिग्री इज अ बिगेस्ट एक्यूट एंगल, ओके, प्लस 89 डिग्री। तो ये दोनों एंगल को अगर हम लेंगे तो इनका सम हमारे पास आ जाएगा 178, ओके, विच इज स्मॉलर देन 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये बिगेस्ट एक्यूट एंगल्स 180 डिग्री नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं, इसका मतलब कोई भी एक्यूट पेयर होंगे वो सप्लीमेंट्री नहीं क्रिएट करेंगे, ओके। सो आंसर विल बी नो। व्हाई? बिकॉज द सम ऑफ एनी टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, ओके। नाउ सेकेंड इज इफ बोथ आर ऑब्ट्यूज एंगल, इफ बोथ आर ऑब्ट्यूज एंगल, अगर दोनों ही ऑब्ट्यूज एंगल हैं तो क्या वो सप्लीमेंट एंगल बनाएंगे। सो अगर हम 91 इज द स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, 91 प्लस 91 लेते हैं, सो दिस इज 182। जब हम स्मॉलेस्ट एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो यही हमारा क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, ओके। इसका मतलब ये भी अगर हम दो ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे तो भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म नहीं होंगे, ओके, तो भी ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। सो नो, बिकॉज द सम ऑफ एनी टू ऑब्ट्यूज एंगल, एनी टू ऑब्ट्यूज एंगल्स इज मोर देन 180 डिग्री, ओके। तो मोर देन 180 डिग्री है सम, इसका मतलब वो 180 तो नहीं बनाएंगे और वो सप्लीमेंट्री भी नहीं होंगे। थर्ड इज राइट एंगल, अगर दोनों के दोनों राइट एंगल हों, दोनों एंगल राइट एंगल हों तो रफ करके देख लेते हैं, वन राइट एंगल एंड अनदर राइट एंगल, 90 प्लस 90 इज 180। सो अगर दोनों ही एंगल हमारे राइट एंगल हैं तो यस, बिकॉज 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। सो दिस विल बी आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। सो थोड़ा रफली करके देख लेते हैं, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कोई एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है, ओके, सपोज इट इज एंगल एक्स, ओके। सो एंगल एक्स इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन, तो क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो 45 से बड़ा एंगल होगा, इससे छोटा एंगल होगा या इसके बराबर एंगल होगा, ओके। सो सपोज हम 45 प्लस 46 लेते हैं,
इससे एक बढ़ा लेते हैं एंगल. ओके, सो 45 प्लस 46 इज 91, विच इज ग्रेटर देन 90. तो 91 अगर ये फॉर्म कर रहे हैं तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना रहे हैं. ओके, दैट मीन्स ग्रेटर तो नहीं होने वाला. अगर हम 46 की जगह कोई भी बड़ा एंगल लेते तो ये 91 से ऊपर ही जाता, राइट. सो ये वाला तो नहीं होगा. 45 और इससे लेस लेते हैं 44. ओके, सपोज 1 डिग्री लेस एंगल लेंगे, सो वी हैव 45 डिग्री एंड 44 डिग्री. सो ये हमारे पास आ जाएगा 89 डिग्री, विच इज लेस देन 90 डिग्री. तो अगर हम 44 लेके इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो ये 90 से कम हो रहा है. अगर हम यहाँ पे 43 या 25 लेते तो ये 90 से बहुत ज़्यादा कम आता है. इसका मतलब ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं होंगे. नाउ इक्वल एंगल लेते हैं, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये वाला हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा. दैट मीन्स सॉल्यूशन विल बी, सो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इफ वन एंगल इज मोर देन 45 डिग्री देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी लेस देन 45 डिग्री. वाई, जैसे हमने 45 के लिए यहाँ पे चेक किया था, अगर हम 46 डिग्री लेते हैं, सपोज 45 से ग्रेटर एंगल क्या है 46 है. ओके, और 46 को अगर हम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एंगल ग्रेटर देन 45 होना चाहिए, राइट. तो 46 एंगल अगर हम लेते हैं, सो 46 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 46 दैट इज 44 डिग्री. ओके, तो 44 क्या है, लेस देन 45 है. ओके, दैट मीन्स दिस इज द आंसर. सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर वी हैव गिवन अ फिगर. ओके, इसमें हमारे पास कुछ रेज हैं जो एंगल बना रही हैं और वी हैव गिवन द नेम ऑफ दीज रेज. सो हियर इज द ओरिजिन ओ एंड द एंगल 1, 2, 3, 4, 5. ओके, एंड द नेम ऑफ दिस रेज ओ ए, दिस इज ओ सी, दिस इज ओ ई, दिस इज ओ बी एंड दिस इज ओ डी. ओके, नाउ वी हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन. फर्स्ट इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2. सो क्या एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं. सो लेट्स चेक एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, दैट देयर विल बी कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म. ओके, एंगल 1 और 2 में कॉमन वर्टेक्स ओ है, कॉमन आर्म ओ सी है, राइट, एंड दे शुड नॉट बी ओवरलैपिंग ईच अदर. सो ये दोनों सेपरेट हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों सेपरेट हैं. ओके, सो दे आर नॉट ओवरलैपिंग, दैट्स व्हाई दे आर एडजेसेंट एंगल्स. सो यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स. ओके, सेकेंड इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई. एंगल ए ओ सी इज एडजेसेंट टू ए ओ ई. सो हमारे पास यहाँ पे ए ओ सी और ए ओ ई के बारे में पूछा गया है. ओके, सो इन दिस फिगर वी कैन सी दैट ए ओ ई इज ओवरलैपिंग ए ओ सी. ओके, क्योंकि ए ओ सी ए ओ ई के अंदर आ रहा है. ए ओ ई हमारे पास यहाँ पर है और ए ओ सी जो इसकी आर्म है वो ए ओ ई के एंगल के अंदर आ रही है. इट मीन्स दैट दीज टू एंगल्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर. इसका मतलब ये एडजेसेंट नहीं होंगे. नो, बिकॉज बोथ एंगल्स आर ओवरलैपिंग. ओके, थर्ड, डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर. सी ओ ई देखते हैं, सी ओ ई दिस एंगल 2 एंड ई ओ डी, ई ओ डी ये वाला एंगल. ओके, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल ई ओ डी एंड सी ओ ई ये वाला एंगल, क्या ये लीनियर पेयर है. सो
अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो एंगल ई ओ डी में हमारे पास एंगल 4 और 3 आ रहा है, राइट, और एंगल सी ओ ई में एंगल 2 आ रहा है. तो एंगल 2, 3, 4 को अगर हम ऐड करेंगे सो वी विल हैव दिस स्ट्रेट लाइन. और अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स ये लीनियर पेयर होंगे, राइट. सो ये दोनों एंगल, एंगल ई ओ डी और सी ओ ई, ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, ओके. फोर्थ इज आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री. सो बी ओ डी दिस एंगल 4 एंड डी ओ ए, डी ओ ए. सो बी ओ डी और डी ओ ए का पूछा गया है, यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 5, क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं. तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा दैट एंगल 4 एंड 5 बोथ आर लीनियर पेयर, ओके. 4 और 5 क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, राइट. तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर है, और ये लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री, ओके. सो वी विल से यस बिकॉज एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ओके. और आप इसके आगे एक और चीज ऐड कर सकते हो दैट लीनियर पेयर फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके. फिफ्थ इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4. सो एंगल 1 को हम देखेंगे दिस एंड एंगल 4, तो क्या ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं. सबसे पहले हम इनकी रेज को चेक करेंगे, ओके. सो देयर इज अ रे ए बी एंड सी डी, ओके, एंड बोथ रेज आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ. नाउ इन दोनों रेज में हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं 1, 4, ओके, विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ओके. दैट मीन्स दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो वी विल राइट यस एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5. अब फाइंड आउट करना है 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा. सो अगेन द टू रेज ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, राइट. सो वी हैव हियर एंगल 5. सो 5 का ऑपोजिट एंगल क्या होना चाहिए. 2 एंड 3 हमारे पास है, तो या तो 2 है या तो 3 है, बट ऐसा नहीं है बिकॉज इन दोनों की जो रेज हैं, इन दोनों की रेज के बीच में फॉर्म हो रहा है. तो 2 और 3, ओके, एंगल 2 एंड एंगल 3 बोथ आर ऑपोजिट टू 5, यानी कि इन दोनों का सम, ओके. सो ऑपोजिट एंगल टू एंगल 5 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3. और एंगल 2 और एंगल 3 को हम एक कॉमन नेम दे सकते हैं, दैट इज सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ओके. क्वेश्चन नंबर 10 इज इंडिकेट विच पेयर ऑफ द एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास फिगर दिया है इसमें से कौन से हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, सपोज इफ वी हैव टू रेज, तो दोनों रेज के इंटरसेक्शन से जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं. सो वी हैव टू चेक विच रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड फॉर्मिंग एंगल्स. सो सबसे पहले हम ये वाली रे देखते हैं और ये वाली. सो ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, और इनमें ऑपोजिट एंगल्स कहाँ पे बन रहे हैं. सो ऑपोजिट एंगल्स आर ये दोनों रेज हैं, इन दोनों के बीच में एक फर्स्ट वाला है नंबर 1 एंड इसी के ऑपोजिट में नंबर 4 है, ओके. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हुए, सबसे पहले तो एंगल 1 एंड एंगल 4, ओके. सेकंड, दूसरी तरफ हमारे पास बन रहा है एंगल 5 एंड ये दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 5 के ऑपोजिट में है 2 एंड 3, ओके. इन दोनों ही रेज के बीच में एंगल होना चाहिए. सो 2 एंड 3 बोथ. सो कौन कौन से हुए, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3. तो एंगल 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 5 के जितना आ जाएगा, ओके. सेकंड,
लीनियर पेयर, तो हमें बताना है इसमें से लीनियर पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। सो लीनियर पेयर होते हैं जो स्ट्रेट एंगल्स बनाते हैं, ओके, टू एडजेसेंट एंगल मेकिंग स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट लाइन कौन कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे इस लाइन के लिए, ओके। सो वी हैव एंगल वन एंड एंगल फाइव, ओके, एक साइड में तो एंगल वन प्लस एंगल फाइव हो गया, ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं। सो फर्स्ट लीनियर पेयर हमारे पास है एंगल वन एंड एंगल फाइव, ओके, दीज बोथ आर द एडजेसेंट एंगल दैट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो वन एंड फाइव आर लीनियर पेयर। सेकेंड फोर एंड फाइव, सो एंगल फोर और एंगल फाइव भी आपस में एडजेसेंट एंगल हैं, इन दोनों की जो ऑपोजिट आर्म्स हैं वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ओके। सो ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर होंगे, ओके। नाउ एंगल वन एंड एंगल फाइव, एंगल फाइव एंड एंगल फोर ही केवल हमारे पास लीनियर पेयर है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल्स हैं, वन टू एंड थ्री, ये भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, बट ये थ्री एंगल्स हो गए, तो ये लीनियर पेयर तो नहीं है, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, विच एंगल्स आर लीनियर पेयर, सो एंगल वन एंड एंगल फाइव, ओके, एंड सेकेंडली एंगल फाइव एंड एंगल फोर, सो दीज आर लीनियर पेयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू, हमें बताना है इस फिगर में क्या एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट हैं, गिव रीजंस, तो हमें रीजन भी बताना है। सो एंगल वन एंड एंगल टू एडजेसेंट होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए हम दो कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट, इनमें जो है एक कॉमन आर्म होनी चाहिए दोनों एंगल्स में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों के लिए डिफरेंट आर्म्स हैं, बट ये आर्म दोनों में सेम है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इनकी जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन होनी चाहिए, पर यहाँ पे वर्टेक्स डिफरेंट है, राइट। एंगल टू के लिए वर्टेक्स यहाँ पर है और एंगल वन के लिए वर्टेक्स यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब एंगल वन एंड एंगल टू आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, वाई, बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट वर्टेक्स, बोथ हैव डिफरेंट वर्टेक्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 इज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमारे पास एक फिगर दिया है जिसमें दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, और यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हैं, दिस इज एंगल 55 डिग्री, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड, तो हमें एक्स वाई जेड के मेजरमेंट फाइंड आउट करने हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू लुक ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यही तीन प्रॉपर्टी फॉलो हो सकती है। फर्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सेकेंड एडजेसेंट पेयर लाइक एक्स एंड वाई और एक्स एंड जेड, ओके, और 55 एंड जेड इस तरीके से, एंड थर्ड लीनियर पेयर, ओके, जैसे कि एक्स और वाई आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक्स एंड जेड भी बना रहे हैं, जेड और 55 भी बना रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाउ वी विल सॉल्व इट, वी कैन सी हियर व्हाट इज गिवन, एंगल 55 डिग्री और इसके ऑपोजिट में हमारे पास एक्स दिया है, ओके। सो दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट दीज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ओके, यानी कि एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री, वाई, यू विल राइट हियर द रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके, सो ये हमारा रीजन हो गया, इसलिए एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब हमारे पास एक्स भी 55 डिग्री आ गया है, राइट, एक्स को हमने फाइंड आउट कर दिया है, सो अब हम वाई और जेड को फाइंड आउट करेंगे। सो वाई और जेड में हम देख सकते हैं एक्स के साथ लीनियर पेयर बना रहा है जेड और वाई, तो या तो हम वाई फाइंड आउट करें और या तो हम जेड फाइंड आउट करें, सो लेट्स फाइंड वाई, ओके। सो वी विल राइट हियर रीजन, सिंस एंगल एक्स एंड
एंगल वाई आर लीनियर पेयर. सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं वो एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं, यानी कि 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं जब हम उनको ऐड करते हैं. ओके, सो एक्स हमें पता है एक्स कितना है 55 डिग्री प्लस एंगल वाई हम लिख देंगे ऐसे ही 180 डिग्री. ओके, सो यहाँ से हम वाई फाइंड आउट कर सकते हैं 180 माइनस 55, यहाँ से ट्रांसपोज हो जाएगा इधर और 180 माइनस 55 आ जाएगा 25 डिग्री. ओके, सो वाई हमने क्या फाइंड आउट किया है, वाई है 25 डिग्री और एंगल वाई भी हम बोल सकते हैं एंगल वाई इज 25 डिग्री. ओके, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, वाई की फाइंड आउट हो गई है. अब वाई हम यहाँ पे चेक करेंगे, वाई इज एन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू जेड. ओके, तो एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल जेड. वाई बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल जेड इक्वल्स टू 25 डिग्री. ओके, सो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई 55 डिग्री, वाई इज 25 डिग्री एंड जेड इज 25 डिग्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो हमें ब्लैंक्स पे फिल करना है करेक्ट आंसर को. फर्स्ट इज इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज. अगर कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 90 डिग्री. ओके, सेकंड इज इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज. तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री. सो दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो उनका सम 180 डिग्री आएगा. ओके, थर्ड टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर. अगर दो एंगल्स हैं जो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो क्या होंगे, स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, राइट. इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, आपस में आर सप्लीमेंट्री. ओके, फोर्थ इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ. अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, सेम लाइन. ओके, ये जो थर्ड वाला है इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिख दिया है. सो टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. सो इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं और अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. ओके, फिफ्थ इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल. ओके, सिक्स्थ इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर. सो सपोज दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. ओके, ये हमारे पास एक पेयर वर्टिकली ऑपोजिट का है और ये दूसरा पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का है. ओके, सपोज दीज टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल. सपोज दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री. ओके, सो 40 डिग्री है तो हमें बताना है ये अगर एक्यूट है तो ये क्या होंगे. अगर ये 40 डिग्री है तो इसके साथ का ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 40 दैट इज 120, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल आ गया. यहाँ पे भी ये 120 है तो 120 आएगा. ओके, इसका मतलब अगर टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज. सो यहाँ पे आएगा ऑब्ट्यूज. ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 यू हैव टू डू योरसेल्फ. You just need to recognize the angles, vertically, opposite angles, linear pair, supplementary, complementary, okay? So, this was the exercise 5.1. So, you have to do all these questions in your notebook. So, I will see you in next video with new exercise. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.